हेलो एवरीवन, हम वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। तो बच्चों, सी सैट का सफ़र कैसा चल रहा है आपका? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा चल रहा होगा, बड़ा यूनिक सा चल रहा होगा। अच्छा, दिख गया क्या लिखा हुआ है? यूपीएससी सी सैट 2022 पेपर डिस्कशन पार्ट वन। 2021 की डिस्कशन देखी आप लोगों ने? नहीं देखी तो देख लीजिए, बहुत यूनिक थी। और 2022 और 23, मतलब मैं एक बात कहूँ ना, 21 22 23 के पेपर देख के ऐसा लगता है कि कुछ अलग नहीं था, कुछ भी अलग नहीं था। मैं अगर बेसिकली देखो, हमारा जो सफ़र है 15 से चला था, 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021, 7 साल के पेपर हम कर चुके हैं। 8वें साल के पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट पेपर जो हमारा डिस्कशन होगा वो 2023, फिर आप 2024 का पेपर देंगे, फिर वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग पहले 2015 से जो मेरी सीरीज शुरू है उसको देखिए, उसको डे बाई डे देखिए और खुद जज कीजिए। मैं यही कहूंगा, 2021 तक के पेपर देख के अगर आप 2023 का पेपर करने जाओगे ना, इजीली हो जाएगा। क्योंकि 2021 तक के पेपर ने तो भैया मुझे एक बात दिखा दी कि 2023 के पेपर में कुछ अलग था ही नहीं। अभी एक छोटी सी वीडियो बनाइए, क्यों प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट है, व्हाई दिस पेपर आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपको एक जजमेंट, एक एक्सपीरियंस, एक तजुर्बा देंगे कि 2023 के पेपर पूछा था, मुश्किल नहीं था, दैट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन, अचीवेबल पेपर था। बट आप लोगों को मुश्किल क्यों लगा? क्योंकि शायद आपने प्रीवियस ईयर नहीं किए। आप लोगों को हैंडल करने में इतनी प्रॉब्लम क्यों आई? बिकॉज आपने एनालिसिस पेपरों के अच्छे से नहीं की। यही तो एक प्रॉब्लम होता है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। एक वीडियो भी तो आई है कि क्या करना चाहिए। आपको सिलेबस कंप्लीट करना सबसे पहले अपना, उसके बाद टाइमली रिवीजन करनी है, देन यू हैव टू डू अ गुड टेस्ट सीरीज। बट गुड टेस्ट सीरीज करने से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको हर टेस्ट सीरीज में यही क्वेश्चन घूमते फिरते दिखेंगे, थोड़े बहुत वैल्यूज। क्लियर? तो टेस्ट सीरीज कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बनेगा, एग्जाम अच्छा होगा आपका। अगर टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम हो गए तो डेफिनेटली वो एक नेगेटिव इंपैक्ट जाता है आपके फाइनल एग्जाम के लिए कि यार मेरे नंबर कम आ रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं अब जितना मर्जी पढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि नहीं यार मेरे तो ऑलमोस्ट 70 नंबर ही आ रहा है, तो पता नहीं पास होगा कि नहीं होगा। टेस्ट सीरीज में अगर 90-100 मार्क्स आएंगे, जब आपको 80 आपके 90 के अराउंड मार्क्स आएंगे, बिकॉज थोड़े कम मार्क्स ही आते हैं, करके देख लीजिएगा, एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है ये मेरा। क्लियर? तो जो मैं बात कर रहा हूँ 100 मार्क्स के, वो कैसे आएंगे, हाउ विल यू अचीव दैट गोल, मैं बता देता हूँ। ये सी सेट का मेरा जो न्यू बैच है वो हो चुका है लॉन्च, जिसकी टाइमिंग है बेटा मेरे पास कितनी है, 3 से लेके 4:30 मेरी टाइमिंग है। बेसिकली क्या है, 4 डेज अ वीक बैच है, मतलब एक हफ्ते में 4 दिन आपकी क्लासेस हैं। टोटल लेक्चर कितने हैं आपके पास? 180, एक्चुअली 180 नहीं है, 90 लेक्चर्स, और 90 प्लस में इसको ब्रेक किया गया है। अब कहोगे सर ये 90 और 90 प्लस क्या है? देखो 90 प्लस क्या है, एक्चुअली ये हमारा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच है। ठीक है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच है। अब इस ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच का क्या मतलब है? या तो आप इसको घर बैठे भी लगा सकते हैं, या आप ऑफलाइन हमारे सेंटर में आके भी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज हम मैथ पढ़ते नहीं, हम मैथ को एंजॉय करते हैं। अगर आप आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा, ऐसे तो मैं क्या आपको बताऊं। क्लियर? ठीक है जी। अब इन 90 लेक्चर्स में क्या मिल रहा है? देखो इसमें 90 लेक्चर, 50 आपको क्वांट के लेक्चर्स, एक लेक्चर कम से कम 1.5 घंटे का, तो 75 से आपको 80-90 घंटे के तो आपको क्वांट मिल रहा है। तो इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। 25 के इसके हैं लॉजिकल के, 15 के इसके आपके पास इंग्लिश के लेक्चर्स हैं। क्लियर? तो ये आपके क्या हैं टोटल, आपको ये तो मिल रहा है मेरे पास लाइव बैच में। अब ये 90 प्लस कहाँ है? ये 90 प्लस ये हैं। प्रीवियस ईयर लेक्चर कितने मिल रहे हैं आपको? 15। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन कितने मिल रहे हैं आपको? 50 प्लस। लाइव मेंटरशिप सेशन कितने मिल रहे हैं आपको? 30 प्लस। क्लियर? तो ये तो आपको एक नॉर्मल एक बैच में कोई भी प्रोवाइड कर रहा होगा। कोई डाउट है तो 9517761651 पर कॉल कर सकते हैं, या आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? अब नेक्स्ट सुनो, अब नेक्स्ट यहाँ भैया बहुत कुछ बचा है अभी। तो देखो आपके पास होता क्या, जब आपका कोई लेक्चर होगा तो वीकली शेड्यूल बनेगा आपका। आपका क्या बनेगा? आपका इसमें वीकली शेड्यूल बनेगा। वीकली शेड्यूल में सबसे पहले क्या होगा, जो आपका लेक्चर, जैसे मंडे को आपका कोई लेक्चर है, मंडे को या जिस दिन भी वीकली आपको कोई लेक्चर है, उस लेक्चर के साथ तीन आपको चीज़ें मिलने वाली है। नंबर एक क्या मिलेगा आपको? लेक्चर पीडीएफ। नंबर दो पे क्या मिलने वाला है? रिसोर्स। नंबर तीन पे प्रैक्टिस शीट। अब ये क्या है, देखो सबसे पहले क्या है मेरे पास, लेक्चर पीडीएफ, मतलब जो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराने हैं वो ऑलरेडी आपके पास पीडीएफ के फॉर्म में पोर्टल पे पहले लगे होंगे, तो आप उसको पहले एसेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक्चुअली में होना क्या आज। नंबर दो रिसोर्स। रिसोर्स चैप्टर का वो पार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों
जिसमें मैं कुछ आपको इंफॉर्मेशन दूंगा रिगार्डिंग द चैप्टर, वो कोई फॉर्मूले के बेसिस हो सकता है, कुछ छोटे ट्रिक्स हो सकते हैं, कुछ छोटे क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ स्मॉल डेटा हो सकते हैं जो चैप्टर को रीड आउट करने में, चैप्टर को समझने में आपको अच्छे से हेल्प करेंगे। क्लियर। नंबर तीन पे प्रैक्टिस शीट, ये प्रैक्टिस शीट मैं 5 बजे तक ये लेक्चर लेके जाऊंगा, यानी 30 मिनट का एक सेशन आपको डाउट सेशन मिल रहा है हर क्लास के साथ। ये आपका एक डाउट सेशन है परमानेंटली, हर क्लास के साथ डाउट सेशन रहेगा आपका, जो आपके पास चलेगा ऑलमोस्ट 30 मिनट, से ज़्यादा भी एक्सटेंड हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। क्लियर। तो ये प्रैक्टिस शीट हम क्लास में साथ कर डिस्कस कर लेते हैं, वी आर नॉट कंडक्टिंग एनी डिफरेंट क्लास फॉर दैट, क्लास में ही इसको डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर, एक्चुअली कर लेते हैं। इसके बाद जी हाँ, इसके बाद आपको होता है वीकली टेस्ट, इसके बाद होता है आपका वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट क्या होता है आपका, जो हमने पूरे वीक में क्लास में किया उसका एक थोरो टेस्ट होता है आपके पास। क्लियर, जिसका आपको मिलता है वीडियो सॉल्यूशन। क्योंकि कहीं आप जाओगे ना, देखो बेटा मैं साफ सी बात ही कहता हूँ, 2,500 रुपये के कोई मैटर नहीं करता, बट आपका एक साल बहुत मैटर करता है। ये कुछ एक पैसे हैं ना जो ये आपके पूरे एक साल पे भारी पड़ सकते हैं अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे इस टाइम। बिकॉज मैं अभी भी ये बात बोलूँगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे इवन साइंस बैकग्राउंड के भी, जिन्होंने +1 +2 में इवन ग्रेजुएशन में मैथ पढ़ा, वो भी बच्चे 2023 का पेपर नहीं कर पाए। रीज़न क्या था, उन्हें लगता था ले मैथ तो हम बचपन से पढ़ते रहे, मैथ तो हम कर लेंगे, बट दैट वॉज नॉट एन ईजी टास्क एट दैट टाइम। वो एक ईजी टास्क नहीं था, बिकॉज पेपर का पैटर्न ही कुछ ऐसा था, 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैवी थे, 2 क्वेश्चन हल्के, तो जब 4 क्वेश्चन नहीं हुए तो हमें लग रहा था 5वां 6वां क्वेश्चन भी कैसे हो जाएगा। तो इस बैच में आपके दिमाग से वो डर निकाला है मैंने सारा। मेरे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बिल्कुल जीरो से, एक्चुअली जीरो टू हीरो बैच नाम इसीलिए दिया इसका मैंने, उन्हीं बच्चों को प्रेरित करने के लिए कि भैया आपको नहीं आता मेरे पास आओ, आई विल टीच यू। मैंने 2021 तक के पेपर कराए, बट अब वो 2023 के क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद नहीं लेके आते कि सर ये क्वेश्चन ऐसे होगा, डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, जहाँ मुझे लगता है कि ये कोई स्टेप ज़्यादा वो मैं कटवा देता हूँ, इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम इस बैच में पढ़ते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि क्वांट में आप धीरे 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 आप अपने आप को अपग्रेड करता देखोगे डे बाई डे, बट एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये एक स्लो प्रोसेस नहीं है, पहले भी कहता हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो, 9517716 दैट इज अवर नंबर, प्लीज़ कॉल और व्हाट्सएप। नेक्स्ट है बेटा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो प्लीज़ इसे भी आप ज्वाइन करिए प्लीज़। चलिए बेटा दिख रहा है अभी कितना बड़ा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ही देख लो कितनी बड़ी है ना, बच्चा क्यों नहीं डरेगा भाई, यही सीसेट 2022 का पेपर, जब स्टेटमेंट ही मेरे पास कितने लाइनों के देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लाइनों की तो अप्रॉक्सीमेटली स्टेटमेंट है मेरे पास, तो बच्चा क्यों नहीं डरेगा भाई, डरेगा बिल्कुल बट ऐसा कुछ था नहीं क्वेश्चन में। देखो क्या दिया, और ऑप्शन है मेरे पास 8, 9, 10, 11 और 12, देखो क्या दिया, एन आइडेंटिटी कार्ड हैज नंबर ABCDEFG, मतलब आइडेंटिटी कार्ड है उसके ऊपर नंबर कौन से दिए, ABCDEFG, ये नंबर दिए हो भाई मेरे को। क्लियर, नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, वेयर ईच लेटर रिप्रेजेंट द डिस्टिंक्ट डिजिट 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, यानी 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, मतलब ये ऐसे नहीं है, मतलब ए मेरा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है आपका, 4, 5, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है, बट ये इस ऑर्डर में बिल्कुल भी नहीं दिए हुए। नंबर बता रखे कि ए से लेके जी तक है, 1 से लेके 9 तक है, कुछ नंबर बीच में मिस भी है, तो इस हिसाब से ठीक है। द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देखो सबसे पहली बात, स्टेप नंबर 1, 9, 8, 17, 17 और 7, 24, 5, 29, 4, 33, 34, 35, 36, डेफिनेटली अगर किसी सम, किसी डिजिट के, किसी नंबर के डिजिट्स का सम नंबर डिविजिबल बाय 9 है, तो डेफिनेटली वो नंबर डिविजिबल बाय 9 है। चलो नंबर डिविजिबल बाय 9 है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट द रिजल्टेंट नंबर इज डिविजिबल बाय 6। हाँ मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो मेरे पास क्या है, ABCDEFG, राइट साइड मेरा ये, इसका मतलब उसने क्या किया, जी को डिलीट कर दिया। वो ये कह रहा है कि अगर मैंने जी को डिलीट कर दिया, उसके बाद ये नंबर 6 से डिविजिबल है। 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है मेरी, कि कोई नंबर मेरे पास इवन नंबर होना चाहिए और उसका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, यानी 6 को मैंने डिवाइड किया, 6 को मैंने डिवाइड किया 2 में और 3 में। क्लियर, नंबर मेरा इवन होना चाहिए और वो नंबर क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल। मतलब यहाँ पे F की जगह मेरा क्या आ सकता है, देखो F की जगह मैं क्या क्या डाल सकता हूँ, F का क्या क्या हो सकता है मेरे पास, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है तो F की जगह मेरा 2, 4, 8 हो सकता है, ये मुझे कन्फर्म है। बट G की जगह क्या होएगा,
देखो इन सब नंबर का सम 36 है, 36 से छोटा डिविजिबल 33, तो 3 से जाएगा, बट 3 तो है नहीं इसमें, तो 9 तो है, तो डेफिनेटली मेरा 9 क्या होगा, जी की वैल्यू 9 होगी मेरी, कन्फर्म है। और जी की वैल्यू नहीं है 9, तो आप कोई भी नंबर पुट कर लो, इन सात नंबर का सम मेरे पास 3 से डिविजिबल होगा ही नहीं। क्लियर? तो अब सुनो जरा, आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट द रिजल्टेंट नंबर इज डिविजिबल बाय 6, यहाँ तक हो गया, यानी आपके पास आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब यहाँ पे आ गया 9, ठीक है, यहाँ पे आ सकता है 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, क्योंकि नंबर डिविजिबल क्या होना चाहिए मेरे पास, 2, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, आफ्टर डिलीटिंग द टू डिजिट फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5, कन्फर्म हो गया। इसका मतलब देखो, अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल है, उसने कहा इन दो नंबरों को हटा दो, लास्ट के दो नंबरों को हटाना, यानी जी और एफ को हटाना है, तो ये 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल कब हो सकता है, जब यहाँ पे 5 होगा खुद, बताओ मुझे ये कन्फर्म है, जी हाँ ये बिल्कुल कन्फर्म होगी बात, कि डेफिनेटली ये नंबर क्या होना चाहिए मेरा, 5 होना चाहिए, क्योंकि या तो 0 हो या 5 हो, वही हो सकता है, 0 यहाँ पे है तो डेफिनेटली 5 होगा, ठीक है जी। चलो जी, अब ये क्या करें, आफ्टर डिलीटिंग थ्री डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ नंबर द रिजल्टिंग नंबर 0 बाय 4, देखो जी इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं कि अब ये तीन नंबर हटा दिया आपने, 5 गया, 9 गया, 2, 4, 8 में से कोई एक गया, अब वो ये कह रहा है कि इन दो नंबर, इन चार नंबर, ये डिविजिबल बाय क्या है, 4, 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है भाई, ये दो नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए मेरे, 4 से। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल कंसंट्रेटेड हो गए, देखो अगर मेरे पास यहां पे 2 हो और यहां पे 1 हो, यहां पे 2, 1 हो, कंफर्म होगी बात, क्योंकि यहां पे केसेस जनरेट होंगे, यहां पे केसेस जनरेट होंगे, एक केस के लिए आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ध्यान रखिए मेरी बात, ठीक है। यहां पे क्या हो सकता है मेरा, ये कंफर्म आ गया भाई 1, 2 हो सकता है, अच्छा एक बात था, अगर 1, 2 हो सकता है तो क्या यहां पे 2, 4 हो सकता है क्या, 7, 2 भी हो सकता है, बिकॉज मैंने अभी तक यूज नहीं किया, इसका मतलब अगर यहां पे 2 और 4 यूज होना है तो डेफिनेटली यहां पे क्या आएगा, यहां पे कंफर्म है मेरे पास क्या आएगा, 8 आएगा, तो ये तीन नंबर मेरे पास कंफर्म हो गए भाई, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, आफ्टर डिलीटिंग 4 डिजिट फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देखो भाई वो कह रहा है अब आपने क्या किया, ये चारों को डिलीट कर दिया, मतलब 1, 2, 3, 4, मतलब मेरे पास ये भी गया, इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल है, 3 से। तो यहाँ पे अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर यहाँ पे आपको फिक्स करना है, क्योंकि देखो भाई 5 मेरे पास कौन कौन से नंबर थे, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, देखो 9 गया, 8 गया, 5 गया, कौन से बचे, 1, 2, 4, 7, ठीक है। अब मुझे दो केस कंसीडर करने पड़ेंगे, अब मुझे दो केस मेरे कंसीडर करने पड़ेंगे, कौन कौन से, देखो पहला केस कौन सा, अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, अगर यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है जी, डेफिनेटली यहाँ पे 1 आएगा, अगर 1 आ गया, ये 1 आ गया, यहाँ पे कौन कौन सा बचा फिर, इसका मतलब मेरा 2 भी यूज हो गया, तो कितना बचा मेरे पास, 1, 4, 7, 7, 4, 1, 7, 4, 11, 12 हो गए भाई, यानी नंबर क्या बना मेरे पास, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको खींचूँ, 7, 4, 1, 2, 5, 8, 9, एक नंबर ये बना, ये बताओ क्या एक नंबर बन गया मेरा, यस ये मेरा एक नंबर की जनरेशन हो चुकी है, बट मेरे पास दूसरा केस भी तो है, ठीक है जी, और दूसरा केस क्या बन सकता है, इसको अगर मैं 1, 4, 7 कर दूं, क्योंकि 72 आ सकता है, 24 अब आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 मैंने फिक्स कर दिया, ये तो चार नंबर मेरे फिक्स हो गए, तो दूसरा नंबर आ गया ये, तो ये नंबर क्या हुआ मेरा, 1, 4 दिख रहा भाई, 1, 4, 7, 2, 5, 8, 9, अब वो मेरे को क्या कह रहा है, दो केस पॉसिबल हो गए, कि ये और एक ये, आपको कन्फर्म हो गया ना भाई, 4 वाला नंबर क्यों नहीं आएगा, सेकंड वाला क्यों काटा मैंने, क्लियर। अच्छा जी फिर वो क्या कह रहा है, आफ्टर डिलीटिंग 5 डिजिट्स, चलो भाई 1, 2, 3, 4, 5 कर दिया, राइट द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर 0 बाय 2, तो भैया 14 आ सकता है मेरे पास, और मेरे पास क्या आ सकता है, 74, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द मिडल 3 डिजिट्स ऑफ नंबर, देखो मिडल 3 डिजिट्स यानी ये वाले, 7, 5, 12, 14, यहाँ से 14 आया, यहाँ से कितना, 5, 2, 7, 1, 8, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बहुत बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन था,
बहुत ब्रिलियंट। मैं तो शुरू में कहूंगा ऐसे क्वेश्चन को स्किप करो, आगे चलो। मैं सीरियसली बोलूंगा, अगर पेपर में नंबर जुड़ रहे हो तो आप पंगे लो बाद में आगे, अदरवाइज मतलब बहुत तगड़ा क्वेश्चन था ये। चलिए जी चलिए, क्या दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस, क्या दिया, 20, 10, 10, 15, 30, 75 x, यही दिया है। देखो ये कितना है, इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 3, 75 इंटू 3 कितना हुआ, ऑप्शन नंबर डी 225। क्लियर, तो पिछला क्वेश्चन काफी ब्रिलियंट था, सोच समझ के करिएगा उस क्वेश्चन को प्लीज। चलो, विच नंबर अमंगस्ट टू रेस पर 40, 3 रेस पर 21, 4 रेस टू पावर 18 एंड 8 रेस पर 12 इज द स्मॉलेस्ट। देखो इस क्वेश्चन में ना स्मॉलेस्ट मुझे निकालना ही नहीं था, मुझे एलिमिनेशन करनी थी, इलेमिनेट करना था मुझे नंबर, दैट्स इट। देखो मेरी बात सुनो, ये 2 रेस पर 40 है, ये कितना है भाई, 2 का स्केयर रेस टू पावर 18, और अगर मैं ऐसे लिखूं ए रेस टू पावर एक्स रेस टू पावर वाई, ये क्या होगा मेरे पास, ए रेस टू पावर एक्स वाई, यानी ये कितना होगा मेरे पास, 2 रेस टू पावर ऑफ 36 आया, कन्फर्म हो गया। अच्छा ये कितना है मेरे पास, 8 रेस टू पावर 12, ये है 2 का क्यूब रेस टू पावर 12, यानी कितना हो गया 8, 12 + 36, यानी भी कितना हो गया 2 रेस टू पावर 36, और ये कितना है 2 रेस टू पावर 40। मुझे स्मॉलेस्ट पूछ रहे, क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट स्मॉलेस्ट। देखो एक बात आओ, 2 रेस टू पावर जो 40 है कन्फर्म है 2 रेस टू पावर 36 से बड़ा होगा, मतलब ये ऑप्शन तो मेरा भाई कैंसिल आउट हो गया और 4 रेस टू पावर 18 और 4 रेस टू पावर 8 रेस टू पावर 12 ये दोनों बराबर हो गए, तो डेफिनेटली ये नहीं छोटे हो सकते, कोई दो आंसर नहीं आ सकते मेरे पास, कॉन्ट्राडिक्शन वाला आंसर नहीं देगा, तो डेफिनेटली मेरे पास जो आंसर था ना सही, वो क्या था, ऑप्शन नंबर बी। मुझे कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉर्मुलेट करके देखना था, थोड़ा सा मुझे एडवांस करना था सर्स एंड डिसेस का, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के तो क्वेश्चन ईजिली आपका हो जाना था। डन बच्चों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चले भाई, लो भाई एक और ऐसा क्वेश्चन, द डिजिट्स 1 to 9 आर अरेंज इन 3 रोज इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन 3 डिजिट्स, मतलब ऐसे करके भाई 3 रोज हैं, रो 1 रो 2 रो 3, 1 2 3 1 2 3 2 3, ठीक है जी। नंबर फॉर्म्ड इन द सेकंड रो इज ट्वाइस द नंबर फॉर्म्ड इन फर्स्ट रो एंड द नंबर फॉर्म्ड इन थर्ड रो इज थ्राइस द नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड इफ ओनली 3 ऑफ द 4 डिजिट्स 2, 3, 7, 9 आर अलॉटेड टू यूज इन द फर्स्ट रो। हाउ, देखो इसका मतलब क्या है कि अगर ये है तो ये 2 है, इसका 2 टाइम्स, और ये कितना हुआ, इसका 3 टाइम्स, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। और उसने एक और मुझे अच्छा सा, मुझे उसने एक्चुअली क्वेश्चन दे दिया सॉल्व किया कराया, बट अब मुझे देखना कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, ऐसा कुछ होगा। देखो भाई उसने कहा पहली रो में क्या आएगा, या तो 2 आ सकता है, 3, 7 और 9 ऐसा कुछ आ सकता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैंने 2, 37 ही ले लिया, 2, 37 ले लिया, इसका 2 गिना कितना होगा, देखो 4, 70 कितना होएगा, 4, 37, मतलब अगर मैं 2, 37 लेता हूँ तो इसका 2 गुना कितना आएगा, 200 का 400, 37 का 2 टाइम्स कितना आएगा, 74, इसका मतलब 7 दो बार यूज हो गए, तो ये कंडीशन मेरे पास फुलफिल नहीं हुई। देखो अगर मैं इसको ऐसे लूं 2, 73 अगर 73 मैंने लिया तो ये कितना हुआ, 2 कितना होगा, 5, 4, 6, तो क्या 5, 4, 6, और अभी भी मेरे पास कोई डिजिट रिपीटिशन में नहीं आया। 273 का 3 टाइम्स कितना होगा, 8, इसको अगर मैं 3 से करता हूँ, 3 × 3 = 9, 7 × 1 = 2, 3 × 2 = 6, ये कितना होगा, 819 करके देखो जरा, 27 + 1 ऐसे बिल्कुल, तो क्या मेरे पास एक फॉर्मेशन बन गई, ये आपको देखना पड़ेगा, यू हैव टू डू दैट, आपको ये चीज़ ये बार बार करके देखना पड़ेगा आपको कि कौन कौन से केसेस आ रहे हैं। फटाफट नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट केस पे चलते हैं स्टूडेंट्स। होपफुली ये क्लियर होगा आपको कि ये केस मैंने कैसे बनाया।
ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अभी भी कहूँ इसमें कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं रहा, कुछ नहीं लग रहा, बट ये थोड़े से दिमाग वाले क्वेश्चन है, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है दीजा, ठीक है। चलो भाई एक केस ये बन गया मेरे पास, केस टू की बात करें अगर अच्छा देखो, रो वन रो टू रो थ्री, ये कन्फर्म है नाइन नहीं लेना है मेरे को, ये कन्फर्म है नाइन लेके तो काम खराब हो रहा है मेरा, क्लियर। अच्छा अगर मैं इसको 327 लिखूं, अगर 327 लिखूं से ये कितना आएगा 654, क्लियर। अच्छा इसका तीन गुना कितना होगा 981, तो 327, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल जी दो ही केस बनेंगे और ऑप्शन नंबर सी मेरे पास बिल्कुल सही आंसर है इसका, क्लियर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पहले वाला क्वेश्चन मैं अभी बोल लूँगा, उसको शुरू में इतने बड़े स्टेटमेंट देकर स्किप किया जा सकता है, बट इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना आपने, क्लियर। तो टू केसेज आर पॉसिबल, विच आर ऑन योर बोर्ड, क्लियर। तो चलिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दैट चैनल प्लीज़। तो स्टूडेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ 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 ज़रूर करिए। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज। अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज क्या है, ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है अभिपीडिया की तरफ से, अभिमन्यु आईएएस की तरफ से, कि अगर आपको पूरा कोर्स नहीं खरीदना तो आप पर्टिकुलरली किसी एक टॉपिक पे भी काम कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि पूरा पैसा देना, नहीं उस टॉपिक का पैसा दीजिए, जितना आपको खाना उतना पे करूँ, समझ आएगी बात। तो वही चीज़ है कि अगर भैया दाल ऑर्डर करनी है हम दाल के पैसे देंगे, हम पनीर के पैसे नहीं देंगे, सिंपल। अब कैसे अवेल करना है, कहाँ इसका लिंक मिलेगा, सारी चीज़ें बता दूँ आपको मैं। चलिए देखते हैं इसको ज़रा हम, चलिए बेटा मिनट। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले चूज एग्जाम करेंगे, हम जाएंगे सिविल सर्विस सीसेट में। देखिए यहाँ सारा सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिलेंगे, वीडियो कोर्सेज, यहाँ पे टेस्ट कोर्सेज और यहाँ पे माइक्रो कोर्सेज, तो हमें माइक्रो कोर्सेज की तरफ चलना है। देखिए यहाँ पे अपना 10 दिन का मोबाइल नंबर डालिए, टीम आपके साथ कॉल में व्हाट्सएप जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे ही आपके साथ जुड़ेगी, ठीक है। चलिए देखिए मैथ और मेंटल एबिलिटी की बात करें, 32 माइक्रो कोर्सेज और पूरा एक बंडल है, क्लियर। जैसे मैं बात करूँ आपके पास बंडल की बात करें भैया 3555 का, बट अगर नंबर सिस्टम आप जाएंगे तो सिर्फ कितने का है 324 का, 10 धमाकेदार लेक्चर, 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर है। 9 मेरे पास वेब नोट देखने को मिलेंगे और इसके अंदर क्या आपके पास 421 धमाकेदार क्वेश्चन है विद प्रॉपर सोल्यूशन, प्रॉपर गाइडेंस और प्रीवियस ईयर इसमें इंक्लूडेड है, और 6 मिनट का ट्रायल दिया गया हर एक टॉपिक के साथ। जैसे आप नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो आपको 6 मिनट का ट्रायल मिलेगा, जो आप लेक्चर देखना चाहें वो आप देख सकते हैं, क्लियर। सिंप्लीफिकेशन की बात करें 114 रुपये का 4 लेक्चर्स, एक वेब नोट, 617 MCQs। नेक्स्ट आप परसेंटेज की बात करें 167 का 4 लेक्चर्स हैं आपके पास, 4 वेब नोट, 277 MCQs, 6 मिनट का ट्रायल इसके साथ भी है। नेक्स्ट परमोटेशन कॉम्बिनेशन 6 मिनट का ट्रायल है, 125 रुपये का 3 लेक्चर्स हैं, 3 वेब नोट्स और 187 MCQs, एंड देन टाइम एंड डिस्टेंस 6 मिनट का ट्रायल इसके साथ भी। तो इसी तरीके से हर एक चैप्टर के साथ आपको एक ट्रायल देखने को मिलेगा 6 मिनट का, जिसे आप पूरी तरीके से असेस कर सकते हैं और इजीली आप देख सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों मेरे पास, जैसे मैं बात करूं जैसे लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी की, ये पूरा बंडल 2646 रुपये का मात्र आपको देखने को मिल रहा है, बट अगर सिर्फ आपको करना पजल टेस्ट है 245 का 17 लेक्चर्स, 250 रुपये भी पूरे नहीं है, 17 लेक्चर्स हैं, एक वेब नोट्स है और 270 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको, क्लियर। रैंकिंग एंड ऑर्डर, भाई कौन सा पेपर ऐसा है जब वो स्टेट का वो सेंटर का कौन सा पेपर है जहाँ पे रैंकिंग ऑर्डर नहीं पूछा जाता, और डेफिनेटली सी सेट में भी कैसे बचेगा, सी सेट में भी रैंकिंग एंड ऑर्डर के 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम आ रहे हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन आपके पास डायरेक्शन सेंस हो गया, सिलोजिज्म, क्यूब एंड डाइस, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डाटा सफिशिएंसी, अल्फा न्यूमेरिकल क्लॉक, हर एक चैप्टर के साथ 6 मिनट का ट्रायल, आपके प्रॉपर लेक्चर्स आपको मिलेंगे, आपको वेब नोट्स मिल रहे हैं और आपको MCQs यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इन MCQs को आप टेस्ट के तौर पे भी दे सकते हैं, 20-25 का बंडल बनाइए, जब आप ज्वाइन कर लेंगे सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली बताई जाएंगी, क्लियर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पास है बेटा मेरा इंग्लिश। देखिए इंग्लिश में सिर्फ 2 ही कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं आपको बंडल में, जो 412 रुपये का कंप्लीट है, बट अगर आप सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखना चाहें तो 349 का 6 लेक्चर्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, एक वेब नोट्स और 968 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ऑलमोस्ट 1000 के अराउंड, 6 मिनट का ट्रायल, इसका भी एंटोनिम सिनोनिम। कई बार होता है कि आप कॉम्प्रिहेंशन करते रहे बट कॉम्प्रिहेंशन किस लेवल का है, क्या वोकैबुलरी यूज होनी है, क्या रूट वर्ड्स कुछ यूज हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ 53 रुपये में हम समझ सकते हैं वेब नोट्स और क्वेश्चन के माध्यम से, क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास है, मैं बता दूँ आपको 211, ये आपके पास
सी सेट का बैच है जो अभी हमारा चल रहा है लाइव क्लासेस के साथ, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक, चाहे वो लाइव बैच का हो, परचेज का, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप का हो, चाहे बेटा वो माइक्रो कोर्सेज का हो, सब आपको मिलने वाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर? नेक्स्ट देखिए ज़रा, ये हुई ना बात, ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि भैया रैंक 51 AIR ऑल इंडिया रैंक 51, 56, 91, 105, 138, 154, 175। तो ये एक दिन आपके जैसे ही स्टूडेंट थे, नॉर्मल स्टूडेंट, बट अब ये बच्चे नॉर्मल नहीं है, ये अधिकारी बन चुके हैं, एक IAS ऑफिसर की सीट मिल चुकी है। क्यों? क्योंकि देखो, इन सब ने सीसेट क्लियर किया अच्छे मार्क्स से, 90-100 मार्क्स सबके थे। क्या रीज़न था? सिर्फ और सिर्फ कॉन्टीन्यूटी और टाइमली तैयारी शुरू करना, ये दो रीज़न थे कि ये बच्चे इजीली बिना अपने GS की तैयारी को छेड़े। और इसमें से काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के थे, कुछ साइंस बैकग्राउंड के भी थे, कुछ ज़्यादातर नॉन साइंस बैकग्राउंड के थे। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने अच्छी बात की, इन्होंने टाइमली तैयारी शुरू की। क्लियर? तो प्लीज़ आप भी टाइमली तैयारी शुरू कीजिए, और इन बच्चों के स्वर्णिम शब्द लिखे हुए हैं खुद इनके हाथों से। क्लियर? इन्हें पढ़िए, आपको पता चलेगा क्यों अभिमन्यु IAS 25 साल से 2200 प्लस सिलेक्शन के साथ नंबर वन आज भी, क्यों इतने सिलेक्शन आते हैं हर साल, रीज़न क्या है, ये लाइन्स आपको बताएंगे क्या रीज़न है वाई वी आर नंबर वन। क्लियर? तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। और सारे के सारे लिंक आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए।